बॉलीवुड के एक एक्टर प्रोड्यूसर ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में मुझे कुछ हो जाता है, मैं मर जाता हूं या मैं सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता हूं, तो इसका इल्जाम होगा दो बड़े सुपरस्टार्स पर, क्योंकि इन दोनों बड़े सुपरस्टार्स के पीआर वाले मुझे बहुत हैरेस कर रहे हैं। ये बात कही है फिल्म क्रिटिक के आर के ने अपना ट्विटर अकाउंट डिसेबल कर दिया है। इसके पीछे का कारण बताया है कि उन्हें अक्षय कुमार और सलमान की पीआर टीम बहुत परेशान कर रही है और हैरेस कर रही है, इतना मजबूर कर रही है कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट ही डिसेबल कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि केआरके का एक और ट्विटर हैंडल है जो उनके ऑफिस के काम का ट्विटर हैंडल है, वहां से उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर कहा है। केआरके के बॉक्स ऑफिस ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि केआरके ने अपना जो ट्विटर हैंडल है उसको परमानेंटली डिसेबल कर दिया है, क्योंकि सलमान और अक्षय के पीआर वाले उनको काफी हैरेस कर रहे थे, क्योंकि इन्हें खरे खरे क्रिटिक्स के रिव्यूज पचते नहीं है, जो सोल्ड आउट क्रिटिक्स है उन्हीं के रिव्यूज इन लोगों को पचते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले केआरके ने अक्षय की फिल्म लक्ष्मी का रिव्यू किया था, और सब जानते हैं कि केआरके अपनी फिल्मों के रिव्यू में कम ही फिल्में होती है जिनकी तारीफ करते हैं। इसके अलावा अक्षय को लेकर भी उन्होंने कुछ ही दिनों पहले कुछ पोस्ट किए थे जो कि मी टू से रिलेटेड थे। इसके बाद एक और ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया है कि केआरके ने कहा है कि अगर आने वाले दिनों में मैं कहीं लटका हुआ मिलता हूं या मुझे कोई मार देता है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से सलमान खान और अक्षय कुमार की ही होगी, क्योंकि वो हर एक कोशिश कर रहे हैं मुझे मिटाने की, और उसके सपोर्ट में बॉलीवुड के दूसरे लोग भी हैं। इसके आगे केआरके ने ये भी कहा है, अगर इन बॉलीवुड वालों ने मुझे मजबूर कर दिया है ट्विटर को डिसेबल करने में, तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कितना हैरेस किया होगा। ये किसी अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर से भी बहुत ज्यादा गंदे लोग हैं, और ये अपने पावर और पुलिस को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं।